नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल डी पी एजुकेशनल वीडियो पर स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर बनाए रखे होंगे। जैसा कि 20 तारीख को सीटेट का पेपर है तो उसके सापेक्ष मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन बताता हूँ। ये देखिए विश्व का मैप बना हुआ है जो कि मेरे द्वारा बनाया गया है। तो इसमें मैं आप लोगों को आज कर्क रेखा के बारे में बताऊंगा। किसके बारे में? कर्क रेखा। कर्क रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है, कितने भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, कर्क रेखा पर भारत के कितने शहर स्थित हैं, ये सब आपको कर्क रेखा के बारे में बताऊंगा। और इसके अलावा भी कुछ आपको मैं बताता हूँ, जैसे जल संधियाँ हो गई, कौन सी जल संधि कहाँ पर है, कुछ इंपॉर्टेंट वाली। तो उसको देखिए, आपका जो कर्क रेखा कितने देशों से होकर गुजरता है, तो आपका आप अपने मैप में देखिएगा। इससे आपका एक क्वेश्चन बनता है, अगर मान लीजिए सीटेट में नहीं बनेगा तो टेट में भी बन जाएगा, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन जरूर बनेगा। जो आपका कर्क रेखा है, मान लीजिए कर्क रेखा आपका यहाँ से गुजर रहा है, ये आपका कौन सा रेखा जा रहा है, आपका कर्क रेखा है। इसमें कुछ तिरछा हो जाए तो आप लोग देखिएगा मैप में, क्योंकि मैप एकदम सीधा नहीं बना हुआ है। यहाँ से देखिए थोड़ा सा ऊपर हो गया है कर्क रेखा, यहाँ पर आप देखिएगा अपने मैप में देखिएगा। ये आपका कर्क रेखा है, 22.5 डिग्री पे स्थित है ये कर्क रेखा आपका। इसके नीचे आपका विषुवत रेखा है, इसके नीचे आपका मकर रेखा है, ठीक है, 22.5 डिग्री, ठीक। कर्क रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है, इसके बारे में देखते हैं। कर्क रेखा कितने देशों से, 23 डिग्री, ठीक है, 23 डिग्री पे आपका कर्क रेखा गुजरता है। तो आप देखिए कर्क रेखा कितने देशों से गुजर रहा है, ये आपका देखिए, जैसे कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में एक देश आपका है, यहाँ पे मैक्सिको, क्या है, मैक्सिको। मैप में आप लोग देखिएगा कर्क रेखा आपका जो है मैक्सिको, कहीं लिखा होता, कहीं मैक्सिको लिखा होता, मैक्सिको। उसके बाद आ जाता है आपका यहाँ पर एक देश है क्यूबा, ये जो आपका सबसे बड़ा देश दिख रहा है, एक है आपका क्यूबा, ठीक। क्यूबा से स्पर्श करता हुआ जाता है कर्क रेखा, आगे बढ़ता है, आगे बढ़ने के क्रम में अटलांटिक महासागर से होते हुए, ये आपका अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर से होते हुए कर्क रेखा आपकी गुजरती है। इसके बाद आ जाता है आपका भूमध्य, अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप में आपका यहाँ पर एक देश पड़ेगा पश्चिमी सहारा, इस देश का क्या नाम, इस देश का नाम है पश्चिमी सहारा, पश्चिमी सहारा। इसके बाद एक देश पड़ता है यहाँ पर मारिटानिया, एक देश कौन सा है, ये देश है मारिटानिया, पश्चिमी सहारा, मारिटानिया, अल्जीरिया, अल्जीरिया है। अल्जीरिया के बाद आप देखिएगा लीबिया है, लीबिया के बाद आपका ये मान लीजिए मिस्र है, ठीक। कितने देशों से होकर गुजरता है, पश्चिमी सहारा, मारिटानिया, अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र, उसके बाद आ जाता है क्या आपका, आ जाता है ये सऊदी अरब, ठीक है, सऊदी अरब आ जाता है। कितने देशों से अफ्रीका महाद्वीप से गुजर रहा है, पश्चिमी सहारा, मारिटानिया, माली भी है, ठीक, माली, अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र, माली। पहले आपके पश्चिम में कौन सा देश है, पश्चिमी सहारा, मारिटानिया, माली, ये मान लीजिए माली है, ये अल्जीरिया है, ये लीबिया है, आपका ये मिस्र है, ठीक, ये अल्जीरिया बना दीजिए या आपका मिस्र बना दीजिए, आपका जबकि मिस्र पूरा है, यहाँ से यहाँ लेके, यहाँ से यहाँ तक पूरा मिस्र है, ठीक, मिस्र। इसके बाद आ जाता है आपका ये सऊदी अरब, सऊदी अरब में जाता है, फिर सऊदी अरब में यहाँ ये देश ऐसे बटे हुए हैं, यहाँ पे एक देश है यमन, एक देश है ओमान, जबकि यमन से नहीं जाता है, सऊदी अरब से होके जाता है, यमन एक छोटा सा देश है यहीं पर नीचे, यह है यमन, यमन से नहीं जाएगा, ठीक, ध्यान दीजिएगा, यमन से नहीं जाता है कर्क रेखा, ठीक है। मिस्र के बाद आ जाता है आपका सऊदी अरब में, सऊदी अरब से होते हुए एक देश यहाँ पर होता है ओमान, ओमान के बाद एक देश यहीं पर है यमन, कतर, ठीक, कतर और ओमान, सऊदी अरब में जो द्वीप है, इससे सऊदी अरब ओमान और कतर, तीन देश यहाँ से होकर गुजरता है। इसके बाद आपका भारत में आता है, भारत से होते हुए आपका चला जाता है बांग्लादेश, इसको बना लीजिए बांग्लादेश, बांग्लादेश से होते हुए म्यांमार में, म्यांमार से होते हुए चीन से होते हुए ये देश आपका ताइवान है, ठीक, कौन सा देश है, ताइवान है। कितने देशों से होकर गुजरा है, यहाँ से फिर से देखिए, मैक्सिको, पश्चिमी सहारा, मारिटानिया, माली, अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र, उसके बाद सऊदी अरब के बाद ओमान, ओमान के बाद कतर के बाद आपका भारत आ जाता है, ये आपका हिंद महासागर है। इसके बाद आ जाता है आपका भारत के बाद बांग्लादेश के बाद म्यांमार के बाद चीन के बाद आपका ताइवान। इतने देशों से होकर आपका कर्क रेखा गुजरता है, ठीक। और पूछता है एक क्वेश्चन है, और पूछता है कि कर्क रेखा कितने देशों से स्पर्श करते हुए गुजरता है, कितने देशों को स्पर्श करता है,
तो मैं आप लोगों को बता दूँ कर्क रेखा जो है पश्चिमी अफ्रीका महाद्वीप में, अफ्रीका महाद्वीप में दो देश ऐसे हैं जिसको स्पर्श करता है, किसको स्पर्श करता है, स्पर्श स्पर्श किसको करता है कर्क रेखा, या कर्क रेखा, कर्क रेखा किसको, किन दो देशों को स्पर्श करता है अफ्रीका महाद्वीप में, एक है नाइजर, ठीक, एक देश आपका नाइजर है, नाइजर के बाद एक देश आपका कौन सा है, एक देश आपका चाद है, ठीक, एक देश आपका यहाँ पर पड़ेगा नाइजर, मैप में देखिएगा, एक देश यहाँ पर आपका पड़ेगा नाइजर और एक देश इसी से सटा हुआ है चाद, ठीक, नाइजर और चाद, कहीं कहीं चाँद लिखा होता है, कहीं कहीं चाँद लिखा होता है, इसको आप लोग मैप में देखिएगा, ये दो देशों को स्पर्श करता है और यहाँ क्यूबा को, क्यूबा से स्पर्श, क्यूबा नाइजर और चाँद, क्यूबा नाइजर और चाँद इन तीनों को स्पर्श करता है, बाकी मैक्सिको, पश्चिमी सहारा, मॉरिटानिया, माली, अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र, उसके बाद सऊदी अरब, ओमान, यमन, ओमान यमन नहीं ओमान कतर, उसके बाद आ जाता है भारत, भारत के बाद आपका आ जाता है बांग्लादेश, बांग्लादेश के बाद आपका म्यांमार, म्यांमार के बाद चीन, चीन के बाद ताइवान, ठीक, इन देशों से आपका कर्क रेखा गुजरता है। अब तो बात आती है कर्क रेखा की, तो कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरता है, आपका ये भी क्वेश्चन बनता है, भारत भारत में जो कर्क रेखा है ये कितने राज्यों से होकर गुजरता है और किस राज्य में इसकी सबसे बड़ी सीमा है और किस राज्य में, किस राज्य में सबसे छोटी सीमा है, अर्थात कहने का मतलब कि जो कर्क रेखा है, ये कर्क रेखा किस राज्य में सबसे अधिक है और किस राज्य में सबसे कम है, तो आपका जो कर्क रेखा है भारत में कितने राज्यों से होकर गुजरता है, यहाँ पर देखिए आपका है गुजरात, एक हो जाएगा आपका यहाँ देखिए गुजरात, गुजरात के बाद आपका हो जाएगा राजस्थान, इसको आप लोग वीडियो को शेयर करिएगा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के बाद क्या आ जाएगा झारखंड, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल के बाद आ जाता है आपका बांग्लादेश, बांग्लादेश छोड़िए, फिर आ जाता है आपका त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद आ जाता है क्या मिजोरम, ठीक, कर्क रेखा जो है भारत के कितने राज्यों से होकर गुजर रहा है, कर्क रेखा आपका जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजर रहा है, कौन कौन सा है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 8 राज्य से कर्क रेखा आपका गुजर रहा है। अब यहाँ सवाल बनता है कि जो कर्क रेखा है सबसे अधिक कर्क रेखा की लंबाई किस राज्य में है, जो मध्य प्रदेश राज्य है, आपका भारत का मैप खोलेंगे देखेंगे तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक इसकी लंबाई है और राजस्थान में सबसे कम है, ठीक, सबसे कम राजस्थान में सबसे कम है और जबकि MP अर्थात मध्य प्रदेश में सबसे अधिक है, ठीक। अब सवाल उठता है कि इस कर्क रेखा पर भारत के कौन कौन से शहर स्थित हैं, ठीक, भारत के कौन कौन से शहर स्थित हैं, तो इसका एक कोड है गरबा, ठीक, इसका एक कोड क्या है गरबा, यहाँ देखिएगा ठीक, आपका ही कोड है गरबा, GURBA, ए, ये आपके छोटे छोटे द्वीप हैं, यहाँ पर दिखा मिट नहीं रहा है, ठीक, इससे हो जाएगा भारत के इतने शहरों से होकर कर्क रेखा गुजरता है, कौन कौन से, आपका एक जी से हो जाएगा आपका गांधीनगर, क्या हो जाएगा गांधीनगर के बाद आपका हो जाएगा यू से उज्जैन, क्या हो जाएगा उज्जैन, अब बनता है उज्जैन किस नदी पे है, उज्जैन जो है छिपरा नदी पे स्थित है, ठीक है, उज्जैन जो है छिपरा नदी पे स्थित है, उज्जैन के बाद आर से हो जाएगा आपका रांची, बी से हो जाएगा आपका भोपाल, ए से हो जाएगा अगरतला, ठीक, इतने आपके शहर जो हैं कर्क रेखा पर स्थित है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। और जो इसमें एक पॉइंट और बनता है कि जो ये झारखंड की राजधानी रांची है, झारखंड की राजधानी रांची है, ये आपकी कर्क रेखा पर ही स्थित है, पांचों जो हैं ये कर्क रेखा इनसे होकर गुजरती है, इनको स्पर्श करते हुए गुजरती है, मतलब 4-5 शहरों को कर्क रेखा स्पर्श करते हुए गुजरती है, ठीक है। अब बनता है जैसे आपकी हो गई जल संधि, जो मैंने बताया था जल संधि, यहाँ आपको दिख रहा होगा ये आपका लाल सागर है, ठीक, मैं बता दूँ जैसे कि ये जो आपको दिख रहा है, देखिए ध्यान से देखिएगा, ये आपका अफ्रीका है, अफ्रीका ऐसे से गया है, ठीक, ये आपका हो गया भूमध्य सागर,
क्या है? भूमध्य सागर, ठीक है। और ये आपका है हिंद महासागर, हिंद महासागर, ठीक, हिंद महासागर और ये भूमध्य सागर। अब इन दोनों के बीच में जो आपको दिखाई दे रहा है ये है आपका लाल सागर, ठीक। ये आपका क्या है? ये आपका है लाल सागर, और ये आपका क्या है? ये है आपका अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर का आकार एस की तरह है, इस प्रकार देखिए। ये भी क्वेश्चन बनता है कि अटलांटिक महासागर का आकार कैसा है? अटलांटिक महासागर का आकार एस के प्रकार की है, और अटलांटिक महासागर का सबसे बड़ा अगर द्वीप पूछ ले रहा है, अटलांटिक महासागर सबसे बड़ा द्वीप आपका ग्रीनलैंड है, ठीक। यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन और बनता है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन और जो है, ये आपका जो है ये ग्रीनविच रेखा अर्थात जीरो डिग्री देशांतर जो आपका आता है, कितने देशों से स्पर्श, कितने देशों से होकर गुजरता है, तो आप इस प्रकार देख लीजिएगा बना। आप अपने मैप में देखिएगा, हमारे मैप में मत देखिए, ठीक है। आप अपने मैप में देखिएगा, ये जो है ऐसे गुजरता है, ठीक। तो ये कितने देशों से होकर गुजर रहा है? यहाँ आपका देश दिखेगा एक ब्रिटेन, ठीक, एक देश दिखेगा ऊपर ब्रिटेन, ब्रिटेन के नीचे आपको दिखेगा एक फ्रांस, ठीक, ब्रिटेन फ्रांस, उसके नीचे आपको दिखेगा स्पेन, ठीक। ध्यान से सुनिएगा, जो जीरो डिग्री देशांतर है, अगर पूछा जीरो डिग्री देशांतर और कर्क रेखा एक दूसरे को कहाँ पर काटती हैं या एक दूसरे को कहाँ पर स्पर्श करती हैं, तो मैं आप लोगों को इसके बारे में बता रहा हूँ। जो दोनों रेखाएं काटती हैं वो अल्जीरिया देश में काटती हैं, ठीक है, अल्जीरिया देश। अल्जीरिया देश कहाँ पे है? अफ्रीका महाद्वीप का है, ठीक है। लेकिन अगर पूछे कि विषुवत रेखा कितने देशों से होकर गुजर, विषुवत रेखा कह रहे हैं जीरो डिग्री देशांतर कितने देशों से होकर गुजरती है, तो पहला आपका बनेगा उत्तर से दक्षिण के क्रम में, तो यहाँ पर ब्रिटेन है, ठीक, ब्रिटेन अर्थात लंदन, ठीक, लंदन, फिर उसके बाद फ्रांस, फ्रांस के बाद आपका स्पेन आ जाता है, फिर यहाँ पर आपका एक देश है मोरक्को, अफ्रीका का देश है मोरक्को, मोरक्को के बाद अल्जीरिया, मान लीजिए आपका अल्जीरिया ये है, मान लीजिए अल्जीरिया ये है, ठीक, अल्जीरिया, अल्जीरिया के बाद यहाँ पर आ जाता है आपका एक देश है बुर्किना फासो, क्या देश है? बुर्किना फासो, उसके नीचे आपका एक देश है क्या? घाना, ठीक, घाना, और ठीक है, कितने देश हुए? ब्रिटेन, ब्रिटेन के बाद आपका हो गया फ्रांस, फ्रांस के बाद आपका हो गया क्या? स्पेन, स्पेन के बाद हो गया अल्जीरिया, अल्जीरिया के बाद हो गया माली, माली के बाद हो गया आपका बुर्किना फासो, बुर्किना फासो के बाद बाद क्या हो गया? घाना, ठीक, क्या हो गया? ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, मोरक्को, अल्जीरिया, उसके बाद हो गया आपका घाना, घाना के बाद आपका हो गया बुर्किना फासो, ठीक, उसके बाद हो गया, नहीं बुर्किना फासो नहीं, उसके ऊपर एक माली है, माली, माली भी है, ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, मोरक्को, अल्जीरिया, अल्जीरिया के बाद आपका हो जाएगा आपका माली, माली के बाद आपका बुर्किना फासो, फिर घाना, फिर आ जाएगा अटलांटिक महासागर में, अटलांटिक महासागर में एक द्वीप यहाँ पे है साओ तोमो प्रिंसिपे, क्या द्वीप है? साओ तोमो प्रिंसिपे, ठीक है, साओ तोमो प्रिंसिपे से होकर अटलांटिक महासागर से उधर गुजर जाता है, और ठीक है। तो यहाँ जो कर्क रेखा है और जीरो डिग्री देशांतर रेखा है, आप एक दूसरे को आपका अल्जीरिया देश, अल्जीरिया में स्पर्श करते हैं, अल्जीरिया में काटते हैं, ठीक, इसके बारे में। और ये आपका है क्या? अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महा, अटलांटिक महासागर आपका ये है एस के आकार का, तो ठीक, अटलांटिक महासागर, भूमध्य सागर, लाल सागर है, हिंद महासागर, ठीक। तो यहाँ देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ये आपका देश है अफ्रीका महाद्वीप, ठीक। अब अगर पूछ लेता है आपको भूमध्य सागर और लाल सागर को कौन सी नहर जोड़ती है, भूमध्य सागर और लाल सागर को कौन सी नहर जोड़ती है, बताइए, भूमध्य सागर और लाल सागर है, भूमध्य सागर है, लाल सागर, भूमध्य सागर और लाल सागर कौन सी नहर जोड़ती है? सुएज नहर जोड़ती है, ठीक। यहाँ पर एक नहर है, एक नहर है यहाँ पर सुएज नहर, ठीक, कौन सी नहर जोड़ रही है? यहाँ पर एक नहर है सुएज नहर, ठीक है। भूमध्य सागर और लाल सागर कौन सी नहर जोड़ती है? सुएज नहर जोड़ती है, जबकि लाल सागर और अदन की खाड़ी या हिंद महासागर कौन सी जल संधि जोड़ रही है? बाब अलमंदेव जल संधि। लेकिन देखिए यहाँ पर जो है हिंद अटलांटिक महासागर है, मैंने आपको पहले बताया अटलांटिक महासागर है, यह है भूमध्य सागर, भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को कौन सी नहर जोड़ती है? बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है, लगभग पूछा जाता है, भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर कौन सी नहर जोड़ रही है? यहाँ पर जोड़ रही है जिब्राल्टर जल संधि, कौन सी जल संधि? यहाँ पर है जिब्राल्टर जल संधि, जिब्राल्टर जल संधि, जिब्राल्टर जल संधि भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। यहाँ पर एक नोट में लिख लीजिएगा आप लोग, अगर लिख रहे होंगे या तो जो जान भी रहे होंगे या नहीं जान रहे होंगे तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, लेकिन आप लोग इसको ध्यान से पढ़िएगा, नोट में आप लोग देखिएगा, जो जिब्राल्टर जल संधि है उसको क्या कहा जाता है? भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार कहा जाता है। अगर पूछा आपसे क्वेश्चन में, PCS में आया हुआ क्वेश्चन है कि भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, कौन सी जल संधि है? वो जल संधि है आपका जिब्राल्टर जल संधि, ठीक। जिब्राल्टर जल संधि से ही पहले व्यापार, आप जो व्यापार पहले करते थे यहाँ देश, जो क्या पुर्तगाल जब पहली बार आया था वास्कोडिगामा, जब आया था भारत, इस रास्ते से ऐसे घूमते आया था, तब जाके भारत में गुजरात से आपका कोची पे पहुंचा था। लेकिन अब जो हो रहा है व्यापार होता है वो आपका यहीं से डायरेक्ट, पहले सुएज नहर नहीं थी,
पहले स्वेज नहर नहीं थी, पता नहीं था लोगों को, ठीक है। उसके बाद अब यहीं से डायरेक्ट आते हैं स्वेज जिब्राल्टर जंक्शन भी होते हैं, जिब्राल्टर जंक्शन से भूमध्य सागर से होते हैं, भूमध्य सागर से डायरेक्ट स्वेज नहर होते हुए आपका आ जाते सीधे भारत, ठीक, पूरा रास्ता बच जाता है। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, हमें पता है आप लोग देखते हैं लेकिन शेयर नहीं करते हैं, क्योंकि मेरा जो बोर्ड है ठीक से है नहीं, ये प्लास्टिक का बोर्ड है, आप लोग जान रहे हैं, लेकिन मुझे जितना आता है आपको मैं उतना बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक, चाहे प्लास्टिक का बोर्ड हो चाहे जैसा बोर्ड हो, आप लोग वीडियो को शेयर करिएगा, ठीक है, धन्यवाद।